हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोसिक्स बेड ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, कि जिनके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो वो हम देखेंगे। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड डेफिनेटली दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। बिकॉज फॉर एडिशनल वीडियोज यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, देख लेते हैं। आप अपने पर्सन के नाम लेते रहिए जिनके लिए इस वीडियो को देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या उनके जहन में है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। थैंक यू सो, थैंक यू स्पिरिट। पेज ऑफ पेंटेकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन एंड तुला राशि। दूसरा है सिक्स ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि, क्वीन ऑफ वैंड्स अगेन द फायर साइन। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटेकल्स। We do have eight of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Vrishabh, Kanya, Makar Rashi, Magician. I love this card basically. okay, the devil. Oh wow, Capricorn, Makar Rashi. आपके person की मतलब जो है ना, ठीक है, मैं एक-एक करके बता देती हूँ। Important numbers जो है इसमें से है 15, दैट इज 6, 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 66 या 666 आप देखो रिपीटेडली इस तरह से, और 88 और 888 ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा हम कैमरा को शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे। ऑलराइट, जिनके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा उनका पर्सनैलिटी के बारे में बता दूं या उनके प्रोफेशन के बारे में बता दूं। इधर तो ये बहुत ही यंग स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो कुछ स्टडीज़ कर रहे हो, मे बी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है कि मे बी दे आर द बॉस, दे आर द लीडर्स। हो सकता है कि उनका खुद का बिजनेस हो, ये खुद बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, एक अथॉरिटी होगा इनका। अगर इनका एज ज़्यादा है तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करे, या ये कोई मल्टीनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है, या हो सकता है ये इनके जो खुद के फैमिली बिजनेस है इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या आप में से जो है ना, बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि एक्सक्लूसिव, किसी किसी के पास एक्सक्लूसिव शोरूम में हो सकता है आपके पर्सन या आपका जॉब हो, कहीं ना कहीं पे वो शोरूम इंक्लूड कर सकता है कोई भी एनी टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, पैकेजिंग, शिपिंग, ठीक है, रिटेल इंडस्ट्रीज, इस तरह से हो सकता है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब हो सकता है आपके पर्सन का। बेसिकली आपके पर्सन जो है ना इस तरह के इंसान हैं, कहीं पर भी जाते हैं ना बहुत सारे फैन फॉलोइंग भी इनके हो सकते हैं। मे बी आप देखोगे इनके फेसबुक या इनके इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, इवन हो सकता है इनका यूट्यूब में भी एक चैनल हो। दूसरा चीज़ है कि ही और शी ऑलवेज स्टिल्स द शो, कहीं पे भी जाते हैं ये इंसान ना पूरी तरह से ऑडियंस को या क्लाइंट्स को या जो भी है, कहीं पे भी हो इनका प्रोफेशन, ठीक है, आकर्षित कर ही लेते। अगर ये स्टूडेंट भी है तो बाकी स्टूडेंट इनसे बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते बिकॉज ऑफ हिज और हर टैलेंट्स, ठीक है। अगर हम देखें आपके पर्सन की सोच विचार क्या है आपको लेके, वो है कि इस तरह के इंसान जो है ना आपको, मे बी दे आर ट्राइंग टू
अगर आपके साथ इनका ऑलरेडी संबंध था, तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि दे आर ट्राइंग टू, यू कैन से, ग्रैब यू फ्रॉम द यूनिवर्स. वो विश्व ब्रह्मांड से आपको छीनना चाहते हैं. ठीक है, आप इनसे लाखों कोशिश करें, ठीक है, इनसे आप मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये इंसान जो है, ठीक है, अच्छा खासा ग्रिप है आपके ऊपर, ठीक है, अच्छा खासा होल्ड है आपके ऊपर, ठीक है, चाहे या अनचाहे, ठीक है, आप इस पर्सन को अपनी यादों से कभी भी जुदा नहीं कर सकते. ठीक है, आई डू फील वेरी मच, यू नो व्हाट, वेरी एक्साइटेड व्हाइल सीइंग दिस डेविल कार्ड. मुझे बहुत मज़ा आ जाता है क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही, क्योंकि आपके पर्सन की जो स्ट्रांग पैशन है ना, मतलब जो एक फायरी पैशन है, वो मुझे दिखता है और काफ़ी ज़्यादा मुझे स्वीट लगता है कि कोई ऐसा इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो के कि किसी के ऊपर ना इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो के, ये मेरा ही है, आप सिर्फ मेरे ही हो, आप किसी और के नहीं हो सकते, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, इस तरह से है एनर्जी. आप देखो, कैन यू फील द एनर्जी? आई कैन फील द एनर्जी. ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे जब, अगर आपने बाई चांस इन्होंने कहीं ना कहीं आपको देख लिया ऑनलाइन में किसी के साथ बात करते हुए, चाहे इनकी एज कुछ भी हो. ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा अगर ये मेल है तो स्पेशली एंग्री यंग मैन. ठीक है, इनके एक जो डिग्निफाइड लुक है, शायद आप इनसे काफ़ी इम्प्रेस होते हो, एंड दैट्स वाई इनके लिप्स बहुत सुंदर होंगे. दूसरा चीज़ है, ये इंसान जो है, पहले जो है आप देखते थे कि ये इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते थे, मुझे अभी यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि ये इंसान जो है, भले ही अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे हैं, लेकिन ये आपको जीतना और हासिल करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू विन यू एट एनी कॉस्ट. ओके, विद द सिक्स ऑफ वैंड्स, ठीक है, ये इंसान जो है इस रिलेशनशिप में कामयाब होना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, कि आप उन्हीं के हो. मे बी इनके परिवार वाले शायद अगेंस्ट में होंगे, कैन यू सी? ठीक है, यहाँ पे देखो, सब लोग पीछे खड़े हैं. ठीक है, ये शायद अपने घर वालों के अगेंस्ट में जाके आपके पास आना चाहते हैं. मे बी यू हैव डिफरेंस इन कास्ट, कल्चर, ओपिनियन, रिलीजन, वट एवर बी इट इज. मुझे लग रहा है स्ट्रांगली रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है. ठीक है, कास्ट का जो भी हो, ये इंसान जो भी है, ठीक है, ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं दैट दे विल कम टूअर्ड्स यू. ठीक है, भले ये सिक्स ऑफ वैंड्स है, बट इसके अंदर ना मुझे यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं पे दे वॉन्ट टू फ्लाई, दे डोंट वॉन्ट टू ट्रेवल ऑन द रोड, दे वॉन्ट टू फ्लाई टूअर्ड्स यू. ठीक है, इस तरह से देखो, बेसिकली इंसान, मैं नहीं बोलूंगी कि ये करियरिस्टिक नहीं है, बट अभी रिसेंटली मुझे यहाँ पे एनर्जी इस तरह से फील हो रहा है कि ये ऐसा महसूस करते हैं कि कभी इन्होंने आपके लिए इतना वाइब्रेशन नहीं फील किया. दे आर रियली ओके ऑनेस्ट अबाउट यू. ठीक है, दे फील दैट यू आर वेरी ट्रस्टवर्थी. आप ऐसे एक इंसान हो कि जिनके ऊपर पूरी दुनिया ट्रस्ट कर सकती है, तो ये क्यों नहीं कर पाए उस वक्त? और अगर आप फिलहाल मिले हो तो इंसान आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और ऐसा मानते हैं कि आप अपना काम को बहुत ज़्यादा निष्ठा से, ठीक है, पूर्ण करते हो. ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा चेयरफुल हो, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो. ठीक है, आपके अंदर जो ऑरा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब स्वीट सोबर पर्सनैलिटी, वेरी प्लेजेंट, ऑलवेज स्माइलिंग, कभी आपने अपना दुख जो है बाहर नहीं लाए, स्पेशली इन द प्रोफेशनल एरिया. आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आपके सपोर्टर्स भी हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा. ये मानते हैं कि आप अकेले ही काफ़ी हो. ठीक है, आप अकेले ही संभाल सकते हो बहुत कुछ चीज़, शायद अपने आप को आपने डेवलप किया है. ये क्वीन ऑफ वैंड्स, इट्स लाइक योर एनर्जी, यहाँ पे आपके एनर्जी है. ठीक है, एंड डेफिनेटली जिस तरह से होता है ना कि एक पेड़, एक माता, माता की जैसी होती है एक पेड़, जो सबको छाया देती है, शेल्टर देती है, जो भी रास्ते से जाते हैं गर्मी में, ठीक है, उस पेड़ के नीचे लोग आते हैं. ठीक है, फल है तो खा लेते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आप जितना मर्जी हो उतना बैठ सकते हो पेड़ के नीचे, कोई आपको कुछ बोलेंगे नहीं. बट बेसिकली क्या है, वो इंसान ऐसे मानते हैं कि जब भी वो आपके पास आएंगे तो आपके पास एक सुकून वाला एनर्जी उनको मिलेगा, कंफर्टेबल. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, तो ये इंसान ऐसे सोच ही नहीं सकते हैं. अभी फिलहाल इनका सोच है,
मे बी आप ऐसा कर सकते हो, बट वो ऐसा समझते हैं कि आप माँ क्या कभी भी बच्चे को रिजेक्ट करते हैं, चाहे बच्चा जितना भी गुनाह करे? नो, नहीं कर सकते वो। माँ हमेशा माफ़ी कर देती है। फिर इट्स लाइक अ मदर एनर्जी, बट आप स्ट्रिक्ट हो, ये मानते हैं वो। यू आर लिटिल बिट स्ट्रिक्ट, ठीक है, बट आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो, ठीक है। आप अपना जब भी समय होता है आप अपना काम को कंप्लीट कर लेते हो। दे ऑलवेज फील लाइक दैट। और कहीं ना कहीं पे एक जादू सी नशा है आपके अंदर, ठीक है, वो चीज़ ये मानते हैं। जादू है नशा है मदहोशिया, वो वाला एनर्जी है, ठीक है। तो वो वाला जो एक फील है, इट्स लाइक ओके, इट्स अ कूल रिफ्रेशिंग एनर्जी फ्रॉम यू। सो दे वांट टू डू यू कैन से न्यू बिगिनिंग विद यू। अगर आप इनको हाल ही में मिले हो तो डेफिनेटली आपको कुछ गिफ्ट देंगे, फिर आपको प्रपोज करेंगे ये वाले इंसान जो है, ठीक है। अगर आप हाल ही में मिले हो, अगर आपके ये एक्स है या नो कॉन्टैक्ट जोन है या ब्लॉक सिचुएशन है, कहीं ना कहीं पे ये खुद अकेले नहीं जाएंगे, कुछ लोगों को ये साथ पकड़ेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा उनको डर लगेगा आपको फेस करने में, लेकिन वो आपको फेस करेंगे, ठीक है। दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, भले ही आपको लगे कि ये इंसान, ठीक है, जो है ना, ऐसे कैसे, कैन यू सी दिस पर्सन इज लाइक दिस, ये अपना सिंहासन छोड़ के देखो। कहीं ना कहीं पे हो सकता है इनके फैमिली ने ऐसा भी बोला है इनको कि यू हैव टू, ठीक है, लीव आवर फैमिली, हो सकता है कि आप हमारे खानदान को छोड़ के और जगह पे आपको चले जाना पड़ेगा। या अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, शायद आपके ये हस्बैंड है, शायद आप अपने हस्बैंड को बहुत ही मतलब अच्छे से मनाए हो, तो उन्होंने माना है आपके बात को, तो अभी उन्होंने भी अपने फैमिली से बात कर लिया है। शायद उन्होंने नहीं माना है या राजी नहीं हुए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। ये ऐसे इंसान है ना, ये लॉयल है। मैं नहीं बोलूँ किंग ऑफ स्वर्ड्स इज़ वेरी, यू कैन से यू नो व्हाट, इट्स वेरी बिकॉज द साइन इज लिब्रा, तो कहीं ना कहीं पर जस्टिस ये हमेशा देंगे। दिस पोजिशन ऑलवेज इज, यू कैन से दैट इज़ वेरी ग्रेट, ठीक है। भले ही आपको लगे कि मार्सी नहीं है इनके अंदर, कोई भी दया नहीं है इनके अंदर, लेकिन ऐसा ये कुछ काम नहीं करेंगे एंड में जाके जो लोगों को अन्याय दे, ठीक है, ऐसा ये कुछ भी नहीं करेंगे, मैं आपको बोल रही हूँ। सो द मैजिशियन कार्ड इज़ अ सुपर्ब एक्सेलेंट कार्ड विच हैज़ कम अप। यहाँ पे इस तरह से आया है ना कि यस राइट नाउ, मुझे लग रहा है आपके पर्सन उस दौरान मिले थे आपको जब वहाँ उनका जो करियर था तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो शायद वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, या उनके हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी में भी थे, ठीक है, इट वॉज देयर, तो वो उनके चार्म से, ऑरा से, ठीक है, मोहित हो गए। तो मोहित होने से क्या होता है, मोहिनी से मोहित हो गए थे, मोहिनी इनको मोहित कर दिया था, तो क्या करे अभी, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ, फिर इन वो ना पूरी तरह से अकल आ गया है इनके अंदर, इन्होंने डिसाइड कर लिया, नो इट इज़ जस्ट अ ट्रैप, मुझे नहीं जाना उस ट्रैप के अंदर, डिसाइड कर लिया उन्होंने, दिस इज़ अ ट्रैप, नहीं जाना है, ठीक है। इनको ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो हाई प्रेस्ट्रेस है, इनको पता चल गया कि दिस इज़ अ ट्रैप, मुझे नहीं जाना है, मैं फंस गया या फंस गई, तो अभी वो क्या कर रहे हैं ना, दे हैव ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड। अभी हम देखते हैं कि आप इस इंसान के लिए क्या फील करते हो। आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं ए के, अच्छा लास्ट में ना हम क्यूब्स देखेंगे, ए के डब्ल्यू क्यू एन एस पी टी एच एल आर, ठीक है, बाकी भी है तो डोंट वरी, ठीक है, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, सिचुएशंस मैच होना चाहिए। अच्छा आपके पर्सन की कोई, अगर आपके पर्सन मेल है या फीमेल, उनकी कोई छोटी सिस्टर हो सकती है। सो लेट मी सी व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन, आप क्या फील करते हो, आप क्या समझते हो इस इंसान को। ला ला ला, केयरिंग कनेक्शन, ओके, द सन, नो, क्या करे या ना करे ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे मुझको, हल ये मेरा भाई, ये देखो 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 क्या फील करते हो भाई, बाप रे बाप, स्ट्रेटेजी जर्नल की। सम ऑफ यू मे बी वर्किंग एज टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स,
हो सकता है कि आपका ड्रीम हो, मोटिवेटर्स, आप लोगों के अंदर हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा खासा है, बहुत अच्छा से आप लोगों के साथ फ्लुएंटली बात करते हो, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। और देखो, इस इंसान के लिए आपका फीलिंग्स तो वही है, बहुत क्लियर है। आप इनके साथ अगर नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन है, यू वांट टू कम्युनिकेट एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको अपने जीवन साथी मान चुके हो कि इनके साथ मुझे ये करना है। ठीक है, जिस तरह से कपल गोल्स होते हैं, मुझे इनके साथ मिलन होना ही है, मुझे इनके साथ, मैंने ये सपना देख के रखा है, अपने शायद एक लिस्ट बना भी लिया, हम यहाँ पे घूमने जाएंगे, हमारा प्लान इस तरह से है, या ऑलरेडी आप शादीशुदा हो इनसे, तो शायद आपने सारे प्लान्स जो किए थे, जो भी हुआ था आप दोनों के बीच, वो उसको शायद आप सोचते सोचते और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और ओवरवेलम्ड हो जाते हो। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप चाहते हो इनके साथ एक बेबी, ठीक है, एक सिक्योर्ड फ्यूचर, ठीक है, और आप अपना, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना, शायद आपके ससुराल वाले या इन्होंने शायद ऐसा बताया होगा कि शायद शादी के बाद अगर आप फीमेल हो, आप अपना ग्रेजुएशन या हो सकता है स्टडीज़ आप कंप्लीट नहीं करोगे, या ऐसा कुछ उनके ससुराल वाले ने बोल दिया, या आप जॉब नहीं कर सकते आफ्टर मैरिज, आपको घर संभालना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। आप इनको देखो, इनका जो हग है, इनका जो एक बॉडी, डेफिनेटली देखो बॉडी का जो वार्म्थ है, ऑफ कोर्स आप लोग जानते ही हो, वो आप फील करते हो बहुत ज़्यादा, प्रेजेंस इर्द गिर्द आपको लगता है ये इंसान है, जो जितना प्यार करते हैं ना लोगों को, ठीक है, उतना जितना करीब जाते हैं हम उनके, तो हमें महसूस होता है हम जा रहे हैं बस में फीलिंग होगा, हम जा रहे कहीं और हमें फीलिंग होगा, हम वो हमसे बहुत दूर है, मे बी ओवरसीज रहते हैं, तो हमें फील होगा कि वो हमारे आसपास है, बिकॉज आवर सोल्स आर कनेक्टेड। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आज पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ बोलते बोलते, तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि इस इंसान के साथ ही वांट स्पीडी कम्युनिकेशन, और अगर कम्युनिकेशन चल भी रहा है, आप चाहते हो कि इसको एक लॉन्ग टर्म तक लेके जाया जाए, ये कोई शॉर्ट टर्म आप नहीं चाहते, यू डोंट वांट एनी शॉर्ट टर्म फन और कैजुअल रोमांस, नहीं आप नहीं चाहते हो, यू वांट परमानेंट सोल्यूशन एंड यू वांट परमानेंट कनेक्शन, आप पूरी तरह से 100%, ठीक है, इस कनेक्शन को फ्यूचर में जाके एक स्टेबल पोजिशन में लेके जाना चाहते हो, बिकॉज स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है। आपके पर्सन शायद आपके साथ इस पोजिशन में गए होंगे, इंटीमेट हुए होंगे, काफ़ी करीब हुए हुए होंगे, मे बी यू हैड गॉन फॉर रिसॉर्ट्स और समवेयर एल्स, मे बी इन देयर रूम, योर रूम, वट एवर इट इज, वो सब चीज़ जहन से नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा ना, कि जितना लोग फिजिकल होते जाते हैं लोगों के साथ, देयर इज़ अ साइकोलॉजी एंड देयर इज़ अ स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो, कि देखो मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं ऐसे ही बताती हूँ, जितना आप फिजिकल कनेक्टेड होता जाओगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जितना आप उनके उनको हग करना, किस करना, बॉडी टू बॉडी, ओके, देयर इज द, यू कैन से, यू कैन फील दैट, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहे हैं, आप उनके इमोशंस को कैच कर रहे हो, वो आपके इमोशंस को कैच कर रहे हैं, करीब जाते ही ऐसा ही होता है, स्पेशली व्हेन टू पीपल आर देयर हु आर मैडली इन लव विद ईच अदर, तब ये सब कुछ चीज़ होता ही है। ठीक है, इवन सेक्शुअल कनेक्शन कॉजेज लॉट्स ऑफ इमोशंस टू हैपन, दिस इज अ स्टडी रिसर्च, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़ हुआ है, और आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो, जितना भी आप लाख कोशिश कर रहे हो, ठीक है, शायद आपको गाइडेंस भी मिल रहा है कि मूव ऑन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन मैं भी गाइडेंस देती हूँ, राइट, आप दर्द अगर सहन नहीं कर पा रहे हो तो मूव ऑन कर जाओ, लेकिन हो नहीं रहा है, बिकॉज, और मुझे ये भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं पे, देयर इज अ सोलमेट एनर्जी हियर, ठीक है, ऐसा नहीं जाएगा, कनेक्शन डिटैच नहीं होगा, बिकॉज आपके तरफ से भी स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा, 21 नंबर, 21, 14, 1 एंड 39, दैट इज 12 इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। बेसिकली हम देखते हैं इस कनेक्शन का जो है फ्यूचर वो क्या है, और ये इंसान जो है ये क्या चाहते हैं, देख लेते हैं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट इज द फ्यूचर और ये क्या चाहते हैं, पहले देख लेते हैं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन।
डज इट लुक ग्रेट? येस इट लुक्स ग्रेट. अगर हम बताएं फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, येस द आंसर इज येस. ठीक है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, येस. अगर हम बताएं फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन, थ्री ऑफ कप्स, तभी भी ये जाके येस ही आ रहा है. ठीक है, ऑफकोर्स अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें, दैट इज ऑल्सो येस, नाइट ऑफ कप्स. ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आज फील हुआ, और आपके तरफ से भी इक्वल जो मुझे लग रहा है. सिर्फ मुझे यहाँ पे ये है कि आप इनके मैसेज के लिए वेट कर रहे हो. मे बी यू कैन गेट अ मैसेज विद इन 3 to 6 days, वीक्स और मंथ्स. ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो. सो देख लेते हैं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, और आपके लिए एक स्पेशल गाइडेंस. व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू गाइस? यस, अफर्मेशन फॉर ग्रोथ. देखो, अगर आप चाहते हो ये जो पौधा है ये बड़ा होकर, ये इतना बड़ा हो जाए साइज, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो वीड्स है, वीड्स मतलब आपको पता है ना, अनवांटेड चीज़ जो हम बगीचा से निकल देते हैं उसके बाद हम पौधा को लगाते हैं, वो करना पड़ेगा. वरना क्या होगा, अनवांटेड जो एलिमेंट्स है वो डेवलप कर जाएगा, जो वीड्स नहीं होना था वो यहाँ पे आ जाएगा. समझ में आ रहा है वीड्स क्या है, जिसको हम फेंक देते हैं, जंगली वाला चीज़. ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा और बड़ा होके पेड़ होगा. तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एफर्मेशन फॉर ग्रोथ. इवन अगर आप चाहते हो आपके फाइनेंशियल पोजीशन भी इम्प्रूव हो, तभी भी आप एफर्मेशन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा. लेकिन एफर्मेशन के दौरान आपके मन में कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, शंकाएं नहीं होने चाहिए कि ये मेरे पर्सन नहीं है, मैं इनके लिए नहीं करूंगा. फिर दूसरा मोमेंट पे आपको लग रहा है नहीं यही मेरे पर्सन है, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट. यू हैव टू बिलीव इन इट. अगर विश्वास है तो करो, अगर विश्वास नहीं है तो सरेंडर कर दो. ठीक है, भगवान देख लेंगे, यूनिवर्स देख लेंगे, जो होगा. लेकिन मैं अपने तरफ से ऑनेस्टी रहूँगा या ऑनेस्ट रहूँगी इस तरफ से. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चुलबुले इंसान हो, आर वेरी बबली. ठीक है, आर वेरी बबली इन नेचर, बहुत ज़्यादा केयरिंग. ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके आँखों में झलकता है सत्य, जो सच है, सत्य में ही वजह. ठीक है, उस तरह से दिख रहा है. आज मैं ज़्यादा ही कुछ बोल गई और आज मैं ज़्यादा ही कुछ इमोशनल हो गई, पता नहीं क्यों. ओके, ऑल राइट, सो लेट मी सी. सो यहाँ पे हम देखते हैं फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स. होपफुल यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, छोटे छोटे चीज जिसमें जो फिजूल की बातें है उसमें प्लीज लक्ष्य जो है वहाँ पे भटकाइए नहीं, अपना जो ध्यान है वहाँ पे नहीं देना है. दिस कनेक्शन इज वेरी यूनिक एंड डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डेवलप. वर्ल्ड का यहाँ पे सिंबल आ रहा है, रीयूनियन, रिकनेक्शन. यहाँ पे टावर आया है, अगेन रीबर्थ ऑफ द कनेक्शन. कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी ने कुछ खिचड़ी पकाया होगा, कुछ बोल दिया होगा कान में इस तरह से आपके पर्सन की, और आपके पर्सन भी उसके मतलब बातों में आ गए और इस तरह का बिहेवियर, बर्ताव किया आपके साथ. उनका कनेक्शन फिक्स्ड है, ये होगा. और जो भी प्रॉब्लम से ब्लॉक्ड अगर सिचुएशन है, अनब्लॉक होंगे कुछ लोग, कुछ लोग अनब्लॉक ज़रूर होंगे. रिमेन होपफुल इन योर सिचुएशन. इस अंधेरे में जो है ना, रोशनी ज़रूर आएगा और आप हंसी खुशी इस इंसान के साथ रहोगे. अगर आप एफर्मेशन कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी डेडिकेटेड हो, और ये इंसान भी अपने तरफ से, इनको भी मुझे लग रहा है ये स्टेप ले सकते हैं, दे कैन टेक अ स्टेप टुवर्ड्स यू, क्योंकि फ्यूचर में देख रही हूँ मैं कनेक्शन का, ये ऐसी आ रहा है ना मुझे. सो रिमेन होपफुल एंड रेडी टू गेट सरप्राइज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग. Definitely, diarrhosis, sweat truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.